Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. और आज हम फिर से नीदा जी के साथ वापस आए हैं क्योंकि नीदा जी का हैप्पी बर्थडे था. हमने इनके लिए एक लुक क्रिएट किया है. मैंने सोचा ये लुक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं. तो आइए देखते हैं कि ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम आईब्रो फिलिंग से स्टार्ट करेंगे. तो आईब्रो फिलिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज कर सकते हो. अगर आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना है, यानी पोमेड यूज करना है, या आपको पाउडर फॉर्म में यूज करना है, या आपको आईब्रो पेंसिल यूज करनी है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको हैंडी लगता है वो आप यूज कर सकते हो. तो हमने आईब्रो फिलिंग की. हमेशा ध्यान रखिए आईब्रो में जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और आईब्रो जो फिल कर रहे हैं हम, तो आईब्रो हमारी पीछे से अच्छे से फिल्ड होनी चाहिए. आगे की तरफ हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लाना है. आगे डार्क आईब्रोज नहीं करनी है, वो बॉक्सेस नहीं बनाने. हमारा फेस बहुत ही ख़राब लगता है, हमारी आईब्रोज उससे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हम वैसा नहीं करेंगे. उसके बाद हम आईब्रोज को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं एंड देन हम आईब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं. हमने फॉरएवर 52 का एक आई शेडो पैलेट लिया है, उससे हमने सॉफ्ट ब्राउन कलर लिया है और हमारी क्रीज पे उसको डिपॉजिट किया है. हम अच्छे से उसको डिपॉजिट करेंगे. इस बार गाइज मैंने आई मेकअप को थोड़ा जूम कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसको देख पाओ, अच्छे से सीख पाओ. तो मैंने आई मेकअप को थोड़ा जूम किया है. क्रीज पे मैंने एक सॉफ्ट ब्राउन कलर को डिपॉजिट किया है. अगर आपके पास सेम पैलेट नहीं है आप दूसरा पैलेट यूज़ कर सकते हो गाइज. मैंने उसको अच्छे से डिपॉजिट किया है. उसके बाद मैं उसको अच्छे से क्या करूँगी, ब्लेंड कर दूंगी. प्रॉपरली मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी. अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप मेरे वीडियोस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करो. कमिंग बैक टू द वीडियो, देन हमने एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से क्रीज पे सेकेंड कलर डिपॉजिट किया है डिफाइन करने के लिए, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से हमने उस डार्क ब्राउन कलर को सॉफ्ट ब्राउन कलर से प्रॉपरली ब्लेंड कर दिया है. उसके बाद हमने आउटर वी पे ब्लैक कलर लिया है. हमारी लैश लाइन से बाहर की तरफ स्लांटिंग डायरेक्शन में हमने ब्लैक कलर को डिपॉजिट किया है, उसको प्रॉपरली से स्मच कर दिया है और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है. उसके बाद हमने गोल्डन कलर का एक शिमर शेड लिया है और आई लिड पे अप्लाई किया है. उसको प्रॉपरली हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है. आई मेकअप का गाइज एक ही रूल है, आपका आई मेकअप बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ब्लेंडेड होना चाहिए. ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम लो, अच्छे से ब्लेंड करो. आई मेकअप हो गया था बट मैंने नीदा को बोला कि आईज मत खोलना, आई मेकअप सेट होना बाकी है, क्योंकि हम केक निकाल रहे थे, बहुत छोटा सा केक लाए थे. हमको उनकी फेस पे ना वो अच्छी सी स्माइल देखनी थी, तो हमने उनको बोला कि ज़रा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ. और फिर हमने बोला कि हाँ चलो अब आप आईज खोल सकते हो, मेकअप सेट हो गया है. तो फिर उन्होंने ऐसी आईज खोली और वो ऐसे 2 मिनट समझे नहीं, फिर उनको बहुत मतलब वो बहुत खुश हो गए. फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि रेडी होने के बाद, अच्छे से रेडी होके हम केक को कट करेंगे. कमिंग बैक टू द वीडियो, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे जूम में आपको आई मेकअप ट्यूटोरियल देखना पसंद है तो मैं अगले हर वीडियो में क्या ऐसे ही वीडियो शूट करूँ या नॉर्मली मैं जैसा करती हूँ वैसे करूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. अब हम फेस से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे बेस से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे मॉइस्चराइज. तो फेस को हमने मॉइस्चराइज किया है, उसके बाद हमने फेस पे प्राइमर अप्लाई किया है. तो बेसिकली बेस से पहले क्या होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग होती है. तो क्लिनजिंग के लिए या तो हम फेस वॉश करके भी बैठ सकते हैं, नहीं तो हम अपने साथ वेट वाइप कैरी कर सकते हैं, उससे हम फेस क्लीन कर सकते हैं. उसके बाद हम टोनर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज करना है, देन हमको प्राइमर अप्लाई करना है. उसके बाद मैंने मैक का प्रेपेन प्राइम लिया है और फेस पे स्प्रे कर दिया है. ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो, स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो. तो बेसिकली प्राइमर के बाद आप अपना बेस स्टार्ट कर सकते हो. फिर मैंने करेक्टिंग की है, क्राइलॉन का D30 शेड लिया है और उनको मैंने अंडर आइज के नीचे अप्लाई कर दिया. तो आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है फेस पे, पिगमेंटेशन है, पिंपल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, या कोई भी डिसकलरेशन है, वहाँ आप अपना ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करके ब्लेंड करना है उसको अच्छे से आपको. उसके बाद आप अपना बेस मेकअप स्टार्ट कर सकते हो. फिर मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है, शेड है हनी. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सारे प्रोडक्ट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके प्रोडक्ट बाय कर सकते हो. तो नीदा जी को एक्चुअली ज़्यादा लाइट मेकअप पसंद नहीं है, तो उनको नेचुरल टोन पे ही मेकअप रखना पसंद है. तो मैंने फॉरएवर 52 का हनी शेड अप्लाई किया, उसको मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से प्रॉपरली फेस पे ब्लेंड किया है. आप देखोगे कि फाउंडेशन हमेशा मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगाती हूँ ताकि पूरे फेस पे अच्छे से इवनली अप्लाई हो जाए. फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. बहुत अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है, कहीं भी पैचेस नहीं होना चाहिए, कहीं भी कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, आपको अच्छे से ब्लेंडिंग में टाइम देना है.
ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा कवरेज देने के लिए क्राइलॉन का डी 4.5 यूज किया है। अगेन डी 4.5 इज गुड फॉर मीडियम कॉम्प्लेक्शन, यू नो मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए, मतलब नॉर्मल फेयर स्किन टोन के लिए अच्छा है, तो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एक नेचुरल सा यू नो नेचुरल लुकिंग वाला बेस चाहिए। फिर मैंने वो उनको अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटिंग पॉइंट पे ना मेबलिन का कंसीलर जो होता है सैंड शेड में मैंने अप्लाई कर दिया है, और मैंने उसको अच्छे से क्या किया है, मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं इनके फेस को क्या करूँगी, कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने के लिए मैंने शुगर का एक 3-in-1 पैलेट लिया है। इसमें आप देखोगे इसमें ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है, और आपको इसमें कॉन्टोर का शेड भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे पैलेट देख रहे हो 3, मतलब यू नो जिसमें आपके सारे काम हो जाए, तो आप ये पैलेट ले सकते हो। अगेन नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको परचेस है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो जाके नीचे लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। तो मैंने ये अच्छे से इनके आईज़ के नीचे अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर दिया। अब मैं इनको कॉन्टोर करूँगी। तो कॉन्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने कॉन्टोर शेड लिया और क्या किया, हमने इनके चीक्स बोन पे कॉन्टोर शेड अप्लाई कर दिया। उसके बाद फोरहेड पे, देन कहाँ करते हैं हम, जॉ लाइन पे। हमेशा मैंने कहा है आपसे कि कॉन्टोर से हम फेस पे शेडिंग क्रिएट करते हैं। शेडिंग की हेल्प से क्या होता है, जो आपके फेस के अनवांटेड पार्ट्स है ना, वो इतने यू नो अपीयरेंस में नहीं आते हैं। तो जिस एरिया पे आपने समझो फोरहेड पे कॉन्टोर किया, तो आपका फोरहेड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अपने चीक्स पे अगर कि आप थोड़े चबी हो, तो आपका फेस में थोड़ा स्लिम इफेक्ट आ जाएगा। नोज़ पे किया तो क्या होता है, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे करना होता है कॉन्टोर, तो आपकी नोज़ थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी एकदम शार्प शार्प सी दिखने लगती है। जॉ लाइन पे अगर आपको थोड़ा डबल चिन है, तो अगर आप वहाँ पे करोगे तो क्या होता है, डबल चिन का अपीयरेंस आपका कम हो जाता है। या अगर नहीं भी अगर आप वहाँ पे करोगे थोड़ी शेडिंग, तो आपका फेस का जो फीचर है थोड़ा और एनहांस हो जाता है, आपका फेस थोड़ा सा स्कल्प्टेड दिखने लगता है। गाइज आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखा करो, आई एम श्योर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा मुझे आप लोगों को ये बोलना है कि आप लोग हमेशा नीचे पूछते हो, ब्राइडल के लिए क्वेरी करते हो, क्लास के लिए क्वेरी करते हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है मेकअप बाय आसिया कश्मीरी, आप वहाँ DM कर सकते हो मुझे, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको DM में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मुझसे बात कर पाओगे ब्राइडल के रिगार्डिंग, या फिर कोई शूट के रिगार्डिंग, या फिर कोर्सेज के रिगार्डिंग। और कोर्स मेरा जल्द से जल्द बहुत जल्दी आने वाला है, 2 months का मेरा कोर्स आएगा बेसिक टू एडवांस। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, उसमें सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे इंस्टा ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किया, आपको उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं इनके फेस को पाउडर सेटिंग कर रही हूं, इसको हम बेकिंग भी कहते हैं। तो जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हम अप्लाई करते हैं, उसको हम लॉक कर देते हैं पाउडर सेटिंग की हेल्प से। तो मैंने क्राइलॉन डर्मा का शेड लिया है, P4 मैंने शेड लिया है, और मैं इनके फेस पर अच्छे से उसको अप्लाई कर रही हूं। और 2-4 मिनट के लिए आप उसको फेस पर छोड़ दो, बाय द टाइम आप दूसरा काम कर सकते हो जो भी पेंडिंग है, लाइक यू नो लाइनर लगाना, लैश लगाना, लिपस्टिक लगाना। उसके बाद आपको ये एक्सेस पाउडर फेस से डस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। इसी तरह आप मुझे प्यार दे सकते हो, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग सब मेकअप सीखो, मतलब एटलीस्ट आप लोग खुद को थोड़ा बहुत मेकअप करना सीख जाओ मेरे वीडियोज़ देख के। तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी आपके लिए, आप लोग बस सपोर्ट करते रहो। अब हमने नोज कॉन्टोर किया है, और हमने पाउडर कॉन्टोर किया है, लाइक मैं यूजुअली पाउडर कॉन्टोर ही करती हूँ, किसी दिन मैं आपको क्रीम कॉन्टोर भी ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने नोज़ कॉन्टोर किया है, उसके बाद मैंने आज इनको एक हाइलाइटर लिया है, मैंने एक दूसरा हाइलाइटर आज यूज़ किया है, यूजुअली मैं एक हाइलाइटर लेती हूँ। आज भी मेरा जो हाइलाइटर है वो मेकअप रेवोल्यूशन से है, ये भी बहुत प्यारा हाइलाइटर है। अगर आपको ये बाय करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हो। बहुत प्यारा है, रोज गोल्ड सा शेड है। तो मैंने इनको ब्रिज ऑफ द नोज पे, चीक्स पे, चिन पे अच्छे से अप्लाई कर दिया। अगेन आपको पता है हाइलाइटर मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैं बहुत सारा हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। इंसान की अपनी चॉइस होती है, अगर आपको पसंद है, आपको शाइन करना पसंद है, तो आप ज़्यादा हाइलाइटर लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कम हाइलाइटर लगा सकते हो, आपके चॉइस के हिसाब से है। फिर इनर आई कॉर्नर पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, देन हम नीचे की आईज़ को भी कंप्लीट कर देंगे। तो हमने क्रीज पे जो सारे कलर्स लिए थे, वही सेम कलर लेके हम
नीचे की आईज कंप्लीट कर रहे हैं, ब्लेंडिंग ब्रश में हमने सेम सॉफ्ट ब्राउन कलर लिया है और उसको हमने डिपॉजिट किया, अच्छे से ब्लेंड किया, देन सेकेंड शेड फिर से लिया है थोड़े छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से और फिर हमने उससे डार्क ब्राउन कलर डिपॉजिट किया है। उसके बाद हम दोनों कलर्स को अच्छे से क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईज पे आई लाइनर लगाएंगे। हमने मेबलिन का जेल लाइनर लिया है और वही जेल लाइनर लेके हम क्या करेंगे, इनको एक अच्छा सा विंग लाइनर लगाएंगे। ब्रश मैंने बेली के यूज़ किए हैं गाइज, ब्रशेज एक्चुअली नायका पे अवेलेबल नहीं है, आपको किसी भी इंस्टाग्राम पेज पे लाइक इंस्टाग्राम स्टोर इंस्टाग्राम पेज पे आपको ये मिल जाएंगे, आप बेली के साइट पे भी चेक कर सकते हो। नायका पे अवेलेबल नहीं इसलिए मैं लिंक नीचे शेयर नहीं कर पाती हूँ इसका, और ये ब्रशेज काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग चाहो तो उसको जाके बाय कर सकते हो। मैंने अच्छे से इनको विंग लाइनर अप्लाई किया है और मैंने इनको लिप्स पे लिप बाम लगा दिया था, वादी का मैंने इनको लिप बाम लगाया था। और लिप बाम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाने वाले हो और आपको लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करोगे ना लिप बाम लगा के, तो आपको बहुत ड्राई ड्राई सा फील होने लगेगा, ठीक है। तो मैंने इनको अच्छे से लिप बाम लगाया है, अब मैं इनकी आईज कंप्लीट करूँगी तो मैं इनको लैशेज लगा रही हूँ। लैशेज आई मैजिक की है अगेन, ये लैशेज बहुत प्यारी है। तो मैंने लैश ग्लू अप्लाई करने के बाद इनको दोनों आईज पे आई लैशेज अप्लाई कर दी है और उसके बाद मैं इनके लिप्स कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो मैंने शुगर का ये एक क्रेयॉन लिया है और नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका शेड और उसका लिंक दोनों डाल दूँगी, आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ले सकते हो। तो मैंने पहले क्या किया है, पूरे इनके लिप्स पे ना ये शुगर का एक शेड अप्लाई किया है और ये थोड़ा सा यू नो ब्राउन भी नहीं ऑरेंजिश ब्राउन टाइप का एक शेड है, वो मैंने इनको अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने है ना इनको नायका का शेड बॉम्बे और मेबलिन का शेड सेडक्ट्रेस लिया है और इनको है ना मैंने इनके जो मिड लिप्स है लाइक उस पर मैंने अप्लाई किया। तो थोड़ा सा हमने क्या किया है, हमने ना थोड़ा यू नो ओम्ब्रे लिप्स कहते हैं हम इसे, उसको मैंने क्या किया है इनको है ना मैंने बीच में फिर वो लाइट शेड अप्लाई किया है और उसको मैंने फिर अप्लाई करने के बाद ना अपने फिंगर की हेल्प से ना टैप टैप ऐसा डैप डैप करके ना उसको प्रॉपरली से ब्लेंड कर दिया ताकि इनके लिप्स ना बहुत ही अच्छे से एक मैट पाउटी लिप्स आ जाए इनको और इनके यू नो लुक के हिसाब से ये टोन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ये टोन लिया है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू शेयर इट। तीनों दिल वाले शीशे जे बसाया, तीनों दिल वाले शीशे जे बसाया, जी कर वेख दी रहा किन्ना सोना तेनू रब ने।